तो इलस्ट्रेशन 9 से शुरू करते हैं, इस पे आप लगा लो स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो 5:3:2। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट आप एक बार देख लो थोड़ा, कैपिटल ए बी सी के दे रखे हैं, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, ठीक है, एसेट्स सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जे एल पी एसेट में दे रखा है। इसका मतलब ये कौन सी मुंशीगिरी फॉलो करते हैं? वेरी गुड, मेथड टू। तो इसका मतलब ये मेथड टू वाले मुंशी हैं, क्योंकि ये अपने जे एल पी को एसेट की तरह शो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बाकी बैंक बैलेंस दे रखा है। फिर उसके बाद लिखा है ऑन 1 जनवरी 2020 ए वॉन्ट्स टू रिटायर, ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, कॉमा बी एन सी एग्री टू कंटिन्यू एट 2:1 और बी और सी 2:1 पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसका मतलब रेशो में थोड़ा परिवर्तन भी हो जाएगा, वो हम चेक कर लेंगे बाद में। उसके बाद लिखा है जे एल पी वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी 2014, मतलब 6 साल पहले, फॉर ₹1,00,000। तो ये 1,00,000 जो है ये क्या है, एक तरह से पॉलिसी है। तो रिटायरमेंट में हालांकि पॉलिसी अमाउंट का कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया होता है रिटायरमेंट में। एंड इट्स सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर वॉज 25,000। लेकिन हाँ, इसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो 25,000 है 31 दिसंबर को। तो अगर आप एक बार बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में एक एसेट है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 20,000, और उसी एसेट की वैल्यू नीचे एडजस्टमेंट में क्या बता रखी है, 25,000। तो इसको अगर आप रीवैल्यूएशन की नज़र से देखो तो हम कह सकते हैं ये 5,000 का फ़ायदा है, रीवैल्यूएशन की नज़र से देखा जाए अगर। तो फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज फॉर ₹1,00,000, ठीक है, तो ये गुडविल हमें दे रखी है ₹1,00,000 की, ठीक है। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स वॉज रीवैल्यूड फॉर ₹1,10,000। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स कह रहे हैं ₹1,10,000 के हो गए, तो ये भी आपका फ़ायदा हो गया ₹30,000 का, है ना, ये भी फ़ायदा है। बट बी एन सी डिड नॉट प्रिफर टू शो सच इंक्रीज इन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो ये लाइन में छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अब बी और सी कह रहे हैं लेकिन ये जो फायदा हो रहा है एसेट्स की वैल्यू में, हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बन जाता है इस लाइन की वजह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला। बिल्कुल सही, इस लाइन की वजह से ये कॉन्सेप्ट बन जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जब पार्टनर कहते हैं कि हम जो चेंज हुआ उसको शो नहीं करना चाहते। फिर लिखा है ऑल्सो दे एग्री टू डिस्चार्ज, ऑल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। कह रहे हैं कि वो नेसेसरी कैश भी घर से लेकर आएंगे बी और सी टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम, ताकि वो ए के क्लेम का आधा पैसा दे सकें, ठीक है, कॉमा टू मेक बैंक बैलेंस 25,000, और कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस भी 25,000 मेंटेन होना चाहिए, एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और कह रहे हैं कैपिटल उनकी प्रोपोर्शनेट यानी 2:1 में भी होनी चाहिए। तो ये पहले हमने एक बात करी थी उसकी तरह सेम उन्होंने कंडीशनें लगा दी, तो ये हम कर लेंगे। अब वो कह रहा है रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे जर्नल एंट्रीज कह रहा है, तो ये ध्यान रखना मेन सॉल्यूशन जर्नल एंट्रीज है, बाकी आप जो मर्जी बनाओ, चाहे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, चाहे कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो सब जो है वो वर्किंग नोट है, मतलब वो सब जो है वो वर्किंग नोट है। मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन ने क्या मांगा है, नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो तो लिखो सॉल्यूशन मेरे साथ। तो सॉल्यूशन के लिए आप जगह छोड़ दो, मतलब अपने रजिस्टर के हिसाब से पूरा एक पेज छोड़ दो, है ना। तो इसमें तो हम अपना जर्नल कर लेंगे और अगले पेज पर आप
लिखो वर्किंग नोट, है ना। बाकी जो भी कूड़ा करकट मचाना है अपने को वो वर्किंग नोट में मचाएंगे। चलो तो वही स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे सीखा था। तो सबसे पहले ए बी सी तीनों के नाम लिख लो। अब ओल्ड शेयर आप बताओ, 5:3:2। ठीक है, ए तो रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, माइनस न्यू रेशियो बताओ 2:3, मतलब 2:1, 2/3 और 1/3। तो बी और सी का आप ये निकाल लो कि क्या आ रहा है, 30 3 3 9 -20 -11/30। तो इसने गेन करा, फिर 30 3 2 6 6 -10 -4। तो बी ने सी ने भी गेन करा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं गेनिंग रेशियो 11:4 है बी और सी का। तो आपका स्टेप वन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप टू क्या सिखा रखा है, गुडविल। तो गुडविल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए। तो इसका याद है ना तरीका। अब गुडविल हमें किसे पे करनी है, रिटायरिंग पार्टनर को, मतलब ए को, एक तरह से वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और डेबिट किसने करना है, बी एन सी को। तो हम ये अपना मेन सॉल्यूशन में एंट्री लिख लें। चलो तो मेन सॉल्यूशन में आ जाओ, नंबर वन बी डेबिट सी डेबिट टू ए। तो ए का शेयर निकाल लेते हैं रफ में ही। ए का शेयर कितना आएगा गुडविल में, 50,000। ठीक है, तो ए का शेयर आएगा 50,000। तो अब आप ए को 50,000 दे दो गुडविल का शेयर, और बी और सी में किस अनुपात में डेबिट करोगे, गेनिंग रेशियो में मेरे दोस्त, 11:4 में। हाँ, तो बी और सी को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दो 11:4 में। तो 11:4 में भाग दो, 36667, और इसका 13,333। ओके, ठीक है। तो ये सब बच्चों को याद आ गया स्टेप टू। चलो तो रेशियो निकल गया, गुडविल हो गया, अब है जी बाकी क्वेश्चन में। अब लिखा था कि जेएलपी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, एक तो फ़ायदा हो गया है ना, 5,000 का, 5,000 का ये फ़ायदा हो गया था। और आपके सन्ड्री फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी 30,000 बढ़ गई थी, तो 30,000 का ये फ़ायदा हो गया। तो दो ही फायदे हैं बस, दो ही रिवैल्यूएशन है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब मैं बना रहा हूँ, आप चाहे मत बनाओ क्योंकि टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि भाई आपको क्या सोचना है मन में। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें पहला पार्ट जो हम बनाते हैं वो तो बनाते हैं नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल तरीके से, मान लो जैसे फ़ायदा हुआ तो फ़ायदे वाली साइड लिख देंगे। ठीक है, आप मत बनाना चाहें बच्चों, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, बस आप सुनते रहना। तो पहला पार्ट जो हम बनाते थे वो क्या बनाते थे कि भाई जो नॉर्मली हमारा फ़ायदा हुआ या जो नॉर्मल तरीके से हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं वो बना लेंगे। तो हमारा गेन कितना आ गया, 35,000। तो ये गेन किन तीनों के बीच में बटेगा, ए बी सी, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आप इसको 5:3:2 में बांट दो, 17,500
10,500 और 7,000, यही है 5:3:2 में, यही है। ठीक है, तो आपको ये बनाने की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, उसमें तो कहा है जर्नल एंट्री करो, तो आप अगर चाहो तो ये सीधी जर्नल एंट्री भी कर सकते हो सीधी, ये आपका वर्किंग नोट ही है एक तरह से। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट हम क्या बनाते थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई दूसरे पार्ट में जो ऊपर फायदा हुआ उन्हीं को हम नुकसान बनाकर नीचे शो कर देते थे, तो ये आई होप कि सबको याद होगा। ठीक है, 30,000, तो सेकंड पार्ट में हमारा 35,000 का एक तरह से क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा बाय लॉस। अब इस बार ये किसके बीच बटेगा, बी और सी के बीच में, क्योंकि वो हमको नए रेशियो में बांटना है 3:2, तो 3:2 में बांट दो 21 और 14, अच्छा 2:1, तो 23,333, 11,667। ठीक है, तो 2:1 में बांट दिया, तो ये बी और सी में लॉस आ गया। ओके, तो क्लियर होगी कहानी, तो आपको ये वैसे सॉल्यूशन में नहीं बनाना क्योंकि ये क्वेश्चन ने कहा था कि मतलब मुझे तो बस जर्नल एंट्रीज दिखा दो, तो अगर आप इसकी दो एंट्रीज कर लो तो हमारा काम सफिशिएंट हो जाएगा। पहले आप एक गेन वाली कर सकते हो और एक लॉस वाली कर सकते हो, और बहुत ही चीता बना करना हो किताब वालों की तरह तो उन दोनों को भी मर्ज करके एक ही बना सकते हो, तो आपकी एक एंट्री बन जाएगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। चलो पहले आप ये बताओ गेन की एंट्री क्या होगी, हाँ तो बस ऐसी सुन लो, चाहे ये भी लिखना मत, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी, है ना, पहली एंट्री ये हो गई गेन की 17,500, 10,500 और 7,000, और लॉस की एंट्री बताओ बी डेबिट सी डेबिट 23,333, 11,667, 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो ये तो है मतलब एक आम जिंदगी, और बिल्कुल ही आपको चीता बना एक्सट्रीम लेवल का करना हो जैसे किताब वाले कर रहे हैं कि भाई हम ये भी दो एंट्री नहीं दिखाना चाह रहे सॉल्यूशन में, हम इनको भी मर्ज कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बताओ कैसे करना है का मन कर रहा, आम जिंदगी, ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर हम किताब वालों का नहीं फॉलो करते, तो आप बस ये दोनों एंट्रीज कर लो, इनको मेन सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, तो इसको मेन सॉल्यूशन की तरफ ही ले चलते हैं ऊपर। ठीक है जी, तो ये आप अपने मेन सॉल्यूशन में ही लिख लो, है ना, तो हमने ये कर ली, बाकी अगर आपको चीता बना करना हो किताब वालों की तरह तो भी आप कर सकते हो। खैर किताब वालों ने तो महाचीता बना कर, उन्होंने तो इन तीनों को ही मर्ज कर रखा है, उन्होंने तो गुडविल को भी इसमें मर्ज कर दिया कि भाई वो भी बी डेबिट सी डेबिट टू ए है और ये भी बी डेबिट सी डेबिट टू ए, तो मतलब इन तीनों को ही मर्ज करके एक बना रखा है किताब वालों ने, तो मतलब वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का चीता बना है। लेकिन आप यही कर लो तो उससे क्या क्लैरिटी रहेगी, वो बिल्कुल ही सीए बन गए, वो भूल गए कि बच्चा फाउंडेशन में है अभी, तो आप यही कर लो, ये बेस्ट है ना। चलो तो पहले यहां तक ओके हो गई बात, ठीक है, तो आप पहले ये लिख लो और फिर मुझे लगता है सवाल के मेरे ख्याल से पॉइंट सारे हो ही गए, है ना, अब तो बस लास्ट पॉइंट बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट वाली जो कहानी दे रखी है। तो गुडविल हो गया और जो एसेट की वैल्यू में हमें फ़ायदा मिला और क्वेश्चन ने लिखा था कि वो उस फायदे को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, शो नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया और उसकी भी एंट्रियाँ हो गई।
चलो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ओके। चलो अब हमें वैसे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ जाता है ना। तो अब कैपिटल अकाउंट आपको बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आप बस देख लो और देख के बस खुश हो जाओ कि भाई हाँ ये है। तो बस आप मुझे बताते रहना कि मान लो हम कैपिटल अकाउंट बनाते ए बी सी का, तो इनके बाय बैलेंस बी डी क्या दे रखे हैं? 50, 40, 30। ठीक है, तो अब मैं पर्टिकुलर नहीं लिख रहा, बस आप फोकस करना फिगर्स और पोस्टिंग पर, ठीक है। फिर आपने पहली एंट्री क्या कर रखी है? बी डेबिट सी डेबिट टू ए। तो बी डेबिट सी डेबिट टू ए के हिसाब से आप बी में डेबिट करोगे, सी में डेबिट करोगे और ए को क्रेडिट करोगे। तो बी डेबिट 36,667, सी डेबिट 13,333 और ए को क्रेडिट कर दोगे 50,000। तो मतलब आप संतुष्ट हो इन बातों से, पोस्टिंग से? पर्टिकुलर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वर्किंग चल रही है, ठीक है। फिर आपने एक दूसरी एंट्री करी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C, तो उसकी पोस्टिंग ये हो जाएगी। और फिर आपने तीसरी एंट्री लास्ट करी लॉस वाली, बी डेबिट सी डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी बी डेबिट 23,333, सी डेबिट 11,667। तो आप ये बताओ कि आप इस कैपिटल अकाउंट से पूरी तरह संतुष्ट हैं? ठीक है सब बच्चे, ठीक है। तो हमें ये बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं, आप इसको वैसे ही कैलकुलेटर में भी जोड़ सकते हो, या ऐसी बिना पर्टिकुलर के बनाना है रफ में ऐसी भी बना सकते हो, तो वर्किंग नोट है। अब ए हमें छोड़ के जा रहा है, तो पहले हम ए पे फोकस करते हैं। 1,17,500 है ना, पहले ए पे फोकस करते हैं, 1,17,500। तो कायदे से ए का बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया? 1,17,500। तो हमें वैसे ए को 1,17,500 रुपए देने, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन पढ़ लो आप, क्वेश्चन में लिखा था, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ना, दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। इसका मतलब है कि वो ए का खाली 50% पैसा ही पे कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आधा पैसा ही पे कर रहे हैं, तो बचा हुआ आधा एक तरह से लोन हो जाएगा, मतलब वो लोन की तरह लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, वो बाद में पे करेंगे। तो अब 1,17,500 का आधा करो, 58,750, तो ये तो पेमेंट हो जाएगी, और बचा हुआ आधा एज लोन की तरह लाइबिलिटी शो हो जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया ए का पूरा पॉइंट? तो हमें बस इसकी जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि सॉल्यूशन तो जर्नल मांग रहा है। किसको? हाँ, तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट के बारे में ये लिखा था ना मैडम कि वो शो नहीं करना चाहते रिवाइज्ड वैल्यूज, तो हमने सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स और जेएलपी का जो फायदा हुआ उसी के लिए तो क्या प्रिपेयर करा? तो वो जो आप कह रहे हो वो मतलब एक तरह से गलत हो गई बात, क्योंकि हमने फायदों को शो कर दिया, और क्योंकि उसने कहा था कि रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो नहीं करनी, तो हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के एडजस्ट कर लिया, तो वो पॉइंट कवर हो गए। चलो तो अब एंट्री बताओ बच्चों अपने मुंह से कि इसकी क्या एंट्री बन गई है। ए कैपिटल डेबिट टू बैंक और टू ए, तो ये आप लिख लो मेन सॉल्यूशन में चौथी एंट्री। तो ए डेबिट 1,17,500, टू बैंक 58,750 और टू एज लोन 58,750। चलो तो यहां तक तो सर सब कुछ सिंपल है। अब मेन कार्य बताइए कि मेन कार्य क्या है। हाँ, तो उसके लिए अब आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा अपनी बातें सारी समझा सकूं, तो बस आप सुनते रहना, ये बनाना मत क्योंकि ये तो मैं रब कर दूंगा।
आप अभी ये देखो कि फिलहाल बी की कैपिटल फिलहाल कितनी है बी की। भाई डेबिट का आ रहा है 60, तो बी की कैपिटल बैलेंस क्या बच रही है अभी? 9,500 इधर बच रही है बैलेंस फिलहाल। फिलहाल बी की कैपिटल अगर बैलेंसिंग फिगर देखें आप तो 9,500 उधर बच रही है। और सी का अगर आपको कोई कैपिटल बैलेंस पूछे कि कितना बच रहा है आज की तारीख में, तो सी का कैपिटल बैलेंस बच रहा है, ये हो गया जी 25, है ना 25 हो गया ना, तो 12,000, तो सी का कैपिटल 12 बच रहा है आज की तारीख में। तो इससे पहले इतना ओके, सब अच्छे से एग्री। तो मतलब आज बी और सी जो हैं ए के जाने के बाद, यहां पर मैं झोपड़ी बना देता हूं, तो आज बी की कैपिटल जो है वो 9,500 है, वो भी नेगेटिव यानी डेबिट। और सी जो है उसकी पूंजी बिजनेस में कितनी लगी हुई है? 12,000। और ए जो है वो जा चुका या जाने की बस तैयारी में है, और फर्म कह रही है ए को कि हम तुम्हें कितने रुपए देंगे, मतलब कितनी पेमेंट करेंगे, 58,750 की पेमेंट करेंगे। और फर्म के गल्ले में कितने रुपए रखे हैं, मतलब बैंक बैलेंस फर्म के पास 10,000 है फिलहाल। मतलब ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? पहले इतनी बात क्लियर हो रही है। अब उसकी कंडीशनों के हिसाब से, पूरी स्टोरी पर ध्यान देना, उसकी कंडीशनों के हिसाब से बी भी अपने घर से कुछ पैसे लाएगा, सी भी अपने घर से कुछ पैसे लाएगा, और वो इस प्रकार से पैसे लाएंगे, मतलब वो इतना इतना पैसा लेकर आएंगे कि पैसा लाने के बाद जो उनकी कैपिटल्स बनेगी वो किस रेशो में हो जाएगी? प्रोपोर्शनेट, वो 2:1 में हो जाएगी। वो किस रेशो में हो जाएगी? 2:1 में हो जाएगी। और साथ ही साथ वो इतना पैसा लाएंगे कि बैंक में गल्ले में कितने रुपए बचे होंगे? 25,000 भी बचे होंगे। ये उसने कंडीशन लगा रखी है। तो पहले आप ये बताओ, ये याद आ गई सेम स्टोरी पहले की तरह? चलो, तो अब आपको 5 मिनट पहले मिलेंगे, क्योंकि आप मेरी तरफ देख रहे हो इस निगाहों से कि सर हमें कोशिश करने का मौका दीजिए। तो अब मैदान आपके लिए खुला है, तो पहले 5 मिनट आपके हैं, अपने घोड़े दौड़ाइए, अपनी हुनर का प्रदर्शन करिए, और ये बताइए कि बी और सी कितने रुपए घर से लाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी चर्चा करूँगा आपके साथ। चलो, तो अब देखो बच्चों, मैं स्टेप दोबारा से लिख रहा हूँ, अगर किसी को नहीं याद तो वो देखे। देखो आपको क्या स्टेप लिखवाए थे, मैं दोबारा से स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप वो याद रखें। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि हम टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है? टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता है बीस कैपिटल, मतलब जो भी बी की कैपिटल बैलेंस बच रही है, प्लस सीज कैपिटल, जो भी सी की कैपिटल बैलेंस बच रही है, प्लस अमाउंट पेबल टू ए, जो भी आप ए को पे करोगे, है ना, जो भी आप पैसा ए को दोगे, प्लस रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस, जो भी सवाल वाला आपको कह रहा है कि भाई इतना बैंक बैलेंस तो रिक्वायर्ड है, और माइनस एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, जितना आपके पास बैंक बैलेंस अभी है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। देखो यही मैंने पहले वाले सवाल में भी सेम लिखवाया था। अब आप इसमें पुट कर सकते हो, बी का कैपिटल बैलेंस कितना बच रहा है? बी का -9,500 है ना, बी का। प्लस सी का कैपिटल बैलेंस कितना बच रहा है अभी? 12,000, ठीक है? तो भाई सब बच्चे समझ रहे हैं कि मैं कौन सी फिगर पुट कर रहा हूं, जो लिखी थी हमने, प्लस अमाउंट पेबल टू ए। अब हम ए को कितने रुपए दे रहे हैं? 58,750 है ना, इतने रुपए हम उसको कैश दे रहे हैं। प्लस रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस कितना है? 25,000। और माइनस एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना है? 10,000। तो बस आपको ये अगर याद है तो काम हो जाएगा।
अब आप ये जोड़ के बताओ पूरा कि टोटल कैपिटल क्या आ रही है। 76,250, ठीक है 76,250। तो बस अब समझ लो 80% काम तो हो गया। तो ये मेरी टोटल कैपिटल आ गई 76,250। तो इसे अब आप बी और सी के नए रेशो में यानी 2:1 में डिवाइड कर दो तो आपको बी की पूंजी पता लग जाएगी और सी की पूंजी पता लग जाएगी। तो इसको 2:1 में बांट दो, ठीक है बी का 50,833 और सी का 25,417, ठीक है। तो आप ये कृपया नोट कर लीजिए। तो बस ये हमारी वर्किंग मतलब ख़त्म हो गई, आगे का काम हम ऊपर कर लेंगे बस। तो हमको ये निकालना है मेनली कि टोटल कैपिटल कितनी, उसका स्टेप याद रखना है और बी और सी के नए रेशो में उसको डिवाइड करना है 2:1। तो आप पहले यहाँ तक लिख लो। तो ये बेसिकली टू बैलेंस सीडी हमें पता चल गई कि भाई बी और सी की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, हमको ये पता लग गया बस। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट में ये फिगर्स लेके चला जाऊंगा, बी का ले जाऊंगा 50,833 और सी का ले जाऊंगा 25,417। चलो तो चलूं लेके, सबने नोट कर ली वर्किंग, इधर सबकी नोट हो गई वर्किंग। चलो तो मैं ये फिगर लेके चल रहा हूँ बी और सी की। तो अब आप देखो कि एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट में मतलब क्या होगा। अब ये बी और सी के बैलेंस में रब कर रहा हूँ क्योंकि अब ये नकली वाले बैलेंस जो थे ये हट गए, अब ये सब हटा रहा हूँ मैं बी और सी का। और अब मैं एक्चुअल में टू बैलेंस सी डी जो लिखूंगा बी में, कितना लिखूंगा बी की कैपिटल 50,833 ये लिखूंगा, और सी की कितनी लिखूंगा 25,417। तो बस आपको ये फिगर निकालने के लिए मेहनत करनी होती है वर्किंग में, बस ये फिगर आपको निकालने के लिए वो वर्किंग में मेहनत करनी होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब हम टोटल करके फाइनल बैलेंस जब निकाल लेंगे तो मैं येलो रंग से हाईलाइट कर देता हूं। तो अब आपके बैलेंसिंग फिगर यहां बचेंगे बी और सी के। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें पता लग जाएगा कि ये कितने रुपए घर से लाए, ये आपको फाइनल बैलेंसिंग फिगर बी और सी की पता लग जाएगी कि ये अपने अपने घरों से कितने रुपए लाए। तो एक बार बी का टोटल करो 110,833, 110,833 में से 50,500 माइनस करो 60,300। तो बी अपने घर से 60,333 रुपए लाया, ये आपको पता लगेगा बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह सी का भी टोटल कर दो, तो 25 और 25 हो गया जी 50,417 में से ये माइनस करो 13,417। तो इसका मतलब सी अपने घर से 13,417 लाया। तो मैं फिर से यहाँ बादल में लिख देता हूँ कि आपको ये फिगर पता चल गए बैलेंसिंग फिगर कि बी और सी कितने कितने रुपए घर से लाए। तो बी लाया 60,333 और सी लाया 13,417। तो क्लियर हो गया? तो अब इसकी जर्नल एंट्री ओरली आप बोलिए अपने मुंह से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, ठीक है। तो पहले एंट्री लिख लेता हूं फिर आपको ये चेपना है अंत में। तो पहले मैं एंट्री लिखवा देता हूं फिर आप इस वर्किंग को चेप लेना कैपिटल अकाउंट को, ताकि आपको बाद में रिवीजन में पता रहे कि हमने क्या आतंक मचाया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 60,333 और टू सी 13,417। तो एंट्री आपकी ये 5 कंप्लीट बस। तो सॉल्यूशन खत्म, ठीक है ना? तो बस ये था सॉल्यूशन। तो अब आप ये कैपिटल अकाउंट अपने वर्किंग में छोटा सा चेप लीजिए रेफरेंस के लिए। तो बेसिकली इस वर्किंग से पूरी बात क्लियर हो गई।
चलो तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन पीछे किताब में दे रखा होगा आपको। चलो तो पहले इस पे आप दो सितारे लगा लो। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है पूरा 15 नंबर का। चलो तो ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ राम राहुल एंड रोहित शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। चलो तो बताओ इनका रेशो बताओ। थ्री इज टू टू इज टू वन, क्योंकि कैपिटल के अनुपात में ये मुनाफा बांटते हैं। फिर एक बार इनकी बैलेंस शीट देख लो आप, नॉर्मल है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर, एसेट में लैंड मशीन स्टॉक डेटर कैश, ठीक है सिंपल। ऑन 31 मार्च राम डिजायर टू रिटायर, राम कह रहे हैं मैं फर्म छोड़ के जाऊँगा फ्रॉम द फर्म, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी ऑन इट। बचे हुए पार्टनर्स ने कहा ठीक है हम कैरी कर लेंगे। इट वॉज एग्री टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नंबर वन, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 30%। तो बताओ कितना फ़ायदा हो गया, 60,000 का फ़ायदा। मशीन भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, 40,000 का नुकसान। क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूएटेड 80,000, 20,000 का नुकसान। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी मेड एट 5%, 10,000 का नुकसान। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 भी रिटर्न ऑफ, 10,000 का फायदा। मतलब लाइबिलिटी आपकी राइट ऑफ होने का मतलब है लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये फायदा हो गया। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेंड 60,000। तो ठीक है भाई, कोई पार्टनर राम रिटायर हुआ है तो राम के रिटायर होने पर पॉलिसी तोड़ी और लिखा है पॉलिसी तोड़ के 60,000 रुपये मिल गए, तो इसकी एंट्री आपको वैसे पता है। बताओ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, सिंपल। उसके बाद नंबर 7, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000। फर्म की गुडविल 1,80,000 है, ठीक है। राम्स शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे वर्किंग में वही स्टेप 1 स्टेप 2 करके। और कह रहा है नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, तो वो तो वैसे भी हम रेज नहीं करते, तो इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद नंबर 8 पढ़ लो बस। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि अब राहुल और रोहित जो हैं, ये दोनों बचे हुए पार्टनर्स, अब ये कह रहे हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल वही रहेगी जो पहले थी। तो पहले कितनी थी, 6 लाख थी ना, 3,2,1। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल अभी भी 6 लाख ही रहेगी और इंडिविजुअल कैपिटल टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब कि राहुल और रोहित की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख 3 लाख। तो ये हमें पहले से पता चल गया कि राहुल और रोहित की कैपिटल 3,3 लाख रुपए ईच रहेगी, बैलेंस कैरेट डाउन पहले पता चल गया हमें। और नंबर 9 में कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू राम, कह रहा राम को जो भी पैसे बचे हैं सेटल करेंगे हम, 50% तो अभी कर देंगे, तो इसके लिए तो आप लिख दोगे टू बैंक। और बचे हुए 50% कह रहे हैं 1 साल बाद, तो इसके लिए लिख लोगे टू राम्स लोन अकाउंट। तो आधे पैसे अभी दे देंगे और आधे के लिए लोन अकाउंट बच जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन, ठीक है, कैपिटल ठीक है, उसके बाद लोन अकाउंट ऑफ राम ठीक है, कैश अकाउंट ठीक है और बैलेंस शीट ठीक है, 5 चीज़ें कह रहा है बनाओ। चलो तो बनाते हैं जो भी कह रहा है। तो लिखो जी सॉल्यूशन। चलो तो इसमें रेस लगा रहे हो मेरे साथ। चलो तो पहले ढांचों की रेस लगाएंगे।
तो छह लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसके बाद छह लाइन का कैपिटल अकाउंट बना लो, या सात लाइन का बना लो, चलो तीन पार्टनर्स है ना। पार्टनर के नाम क्या हैं? ये भी चालू गिरी है इनकी, आर 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 लिखेंगे तो कन्फ्यूजन। तो राम राहुल रहीम ही लिख लेते हैं, रोहित। अच्छा राम राहुल रोहित, ठीक है। तो पहचान के लिए मार्क कर लेते हैं, तो राम पार्टनर रिटायर हो गया। अच्छा तो ये हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरा उसने बोला क्या बनाना है, राम लोन अकाउंट। तो राम लोन अकाउंट तो बस दो लाइन का ही बनेगा, क्योंकि उसमें तो खाली पोस्टिंग ही दिखानी है, उसमें तो कुछ है नहीं, तो वो तो दो लाइन का बना लो। फिर क्या बोला था उसने, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी मान लो, तो ये भी आप छह लाइन का बना लो। और उसके बाद क्या बोला था, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी आप सात लाइन की बना लो। और बैलेंस शीट के बाद क्या, वर्किंग नोट। तो सारा कूड़ा करकट गंद जो मचाना है आपको, वो यहां मचाना। चलो तो ढांचे बन गए आपके। चलो तो इसका मतलब ढांचों में तो मैं जीत गया। अब राम रहीम रोहित, चलो वर्किंग नोट से शुरू करते हैं फटाफट। ओल्ड रेशियो बताओ, 3-2-1। राम राहुल रोहित, ओके। तो ओल्ड रेशो हो गया 3-2-1। राम पार्टनर तो चलो रिटायर हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब राहुल और रोहित का नया रेशो बताओ, इक्वल। तो 1/2, 1/2। तो बताओ क्या क्या हुआ। इसका आ रहा है जी 6-2-3-1/6, तो गेन करा। और इसका आ रहा है 6-2, तो रोहित ने भी गेन करा। तो मैं कह सकता हूँ गेनिंग रेशो राहुल और रोहित का है 1:2। तो मेरा स्टेप वन तो हो गया। फिर मैं तो चला स्टेप टू पर। गुडविल कितना दे रखी है, बताओ। 180। तो गुडविल की एंट्री बता सकते हो आप, ठीक है। राहुल को भी डेबिट, रोहित को भी डेबिट, टू राम। तो राम को आप कितना शेयर दोगे गुडविल का, 3/6, यानी 90,000। और ये 90,000 राहुल और रोहित में किस रेशो में बांटोगे,
गेनिंग रेशियो 1:2 में, तो बताओ कितना कितना आएगा, 30 और 60। तो मेरी तो वर्किंग भी ख़त्म, आपकी भी ख़त्म वर्किंग, तो मैं तो अब इसकी पोस्टिंग करने जा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में, चलें। चलो फिर आओ, पीछे पीछे आओ फिर। तो राहुल डेबिट, रोहित डेबिट, तो राहुल को डेबिट कर देते हैं 30,000 रुपये, रोहित को डेबिट कर देते हैं 60,000 रुपये, और राम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देते हैं 90,000 रुपये। तो ये हो गई जी गुडविल की पोस्टिंग, ठीक है। चलो अब सुपर फास्ट स्पीड से बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब अभी तक तो स्लो कर रहे थे, तो अब रिवैल्यूएशन में बस आपको बताने जो हमने मार्क करे थे सारे फायदे नुकसान, बताओ क्या क्या थे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना फ़ायदा था, 60,000। बाय क्रेडिटर एक फ़ायदा ये भी था 10,000, ठीक है, दो फायदे थे। और नुकसान था टू मशीन में 40 का नुकसान, और टू स्टॉक में 20 का नुकसान, और एक वो प्रोविजन था 10,000 का वो नुकसान। तो बस, तो 60 और 10 70 और 70, अरे वाह, ये तो टेंशन ही खत्म हो गई, मज़ा ही आ गया। चलो तो बढ़िया हो गई बात, ये तो ठीक है, अब तो एक एंट्री भी बच गई, पोस्टिंग भी बच गई, कोई टेंशन ही नहीं। फिर उसके बाद लिखा था जी पॉलिसी सरेंडर करा के 60,000 रुपये मिले, बताओ इसकी पोस्टिंग क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, या चलो टू जेएलपी से रूट कर देते हैं, ये बच्चे सही कह रहे हैं, टू जेएलपी लिख लेते, तो मतलब हम एक एंट्री ऐसी बना लेते बैंक टू जेएलपी, एक एंट्री ऐसी बना लेते बैंक टू जेएलपी, और दूसरी एंट्री बना लेंगे जेएलपी टू पार्टनर, तो ये सही है भाई, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना, तो कट गया, ऐसे कर लेते, बात तो वही है। तो बैंक के डेबिट साइड में लिख लो टू जेएलपी, बैंक के डेबिट साइड में लिख लो टू जेएलपी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर लिख लो बाय जेएलपी, तो पार्टनर क्रेडिट हो गया। तो भाई किसी को तकलीफ तो नहीं है, मैं एक बार फिर भी कर देता हूँ ताकि किसी को अगर तकलीफ लग रही हो। तो वैसे ओरिजिनली एंट्री क्या थी पैसे मिलने के, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड रेशो में, बस हमने उसको रूट कर दिया, एक एंट्री कर दी बैंक टू जेएलपी, और एक दूसरी एंट्री कर दी जेएलपी डेबिट टू आरआरआर। तो हम इस तरह से कर रहे हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, तो क्लियर है। चलो तो कितना कितना आ जाएगा, 30, 20, 10, ठीक है। अब बाय बैलेंस बीडी आप बताओ कितना था पार्टनर्स का, तो बाय बैलेंस बीडी 3, 2, 1, तो पहले तो जो राम है पार्टनर उन्हें हम विदा करते हैं, तो क्या आएगा बताओ, टोटल 4,20,000, ठीक है 4,20,000। तो क्या लिखा था बैलेंस के बारे में, आधे पैसे अभी दिए,
तो 2-10 तो अभी दे दिए और आधे पैसे लोन मतलब बाद में देंगे, 2 आवर्स लोन। ठीक है जी, तो ये पहले राम का खाता बिल्कुल क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब राम लोन अकाउंट बना सकते हैं लगे हाथ आप। तो 31 मार्च 2020 क्या आ जाएगी क्रॉस पोस्टिंग बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 2,10,000। ये वाली देखो मैं बना रहा हूँ, ये रहा, समझ गए। तो राम के लोन में 2,10,000 रुपए आ गए, ट्रांसफर हो गए, बस खाता बंद कर दो 2,10,000। तो 2 balance CD 2,10,000। तो राम लोन अकाउंट तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा था, उसका कोई रोल नहीं है। चलो अब कैपिटल अकाउंट में हमने, क्योंकि क्वेश्चन इतने अच्छे से शुरू में समझ लिया था कि अगर मैं अब सीधा 2 balance CD करके राहुल में भी 3,00,000 लिख दूं और रोहित में भी 3,00,000 लिख दूं तो मुझे पता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, समझ गए। ये हमने पहली डिस्कशन में पहली तय कर ली थी बात कि भाई राहुल और रोहित ने क्या डिसाइड कर रखा है कि उनकी कैपिटल कितनी कितनी होगी, 3-3। ये सबको याद आ गया क्वेश्चन की कहानी के अनुसार। तो आप 2 balance CD राहुल और रोहित में 3-3 लिख लो और अब जो बैलेंस बचे वो मुझे बताना, राहुल में क्या बच रहा है और रोहित में क्या बच रहा है। तो टोटल है 3,30 और 3,60। तो बताओ कितने रुपए राहुल अपने घर से लाया, 1,10,000। ओके, और रोहित कितने लाया, 2,50,000। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर बच गई बच्चों नॉर्मल। तो राहुल लाया 1,10,000 और रोहित लाया 2,50,000। ठीक है, ओके, चलो। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना है जी। तो अब 2 balance BD बताओ गल्ले में कितने रुपए थे, 1,00,000। ठीक है, उसके बाद राहुल कितने रुपए अभी अभी घर से लाया, 1,10,000। रोहित अभी अभी कितने रुपए अपने घर से लाया, 2,50,000। राम को आपने कितने रुपए पे करे थे, 2,10,000। तो क्या आप ये बता सकते हो आज गल्ले में कितने बचे हैं, 3,10,000 बचे हैं। ओके, तो बाय balance CD 3,10,000। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, ओके, सबको सिंपल। चलो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में तो बस नॉर्मल बातें लिखनी है, राहुल की कैपिटल 3,00,000, रोहित की कैपिटल बताओ 3,00,000, राम का लोन बताओ 2,10,000, क्रेडिटर्स बताओ 1,90,000 कह रहे हैं ये महोदय। ठीक है, ठीक है, तो 10,000 कम हो गए थे ना लायबिलिटी।
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 260 कम हो गई थी, मशीन मतलब बढ़ गई थी, सॉरी मशीन कम हो गई थी 160, स्टॉक कम हो गया था 80, डेटर्स 2 लाख के थे लेकिन प्रोविजन हमने क्रिएट कर दिया था 10,000 का, तो 190। और गल्ले में कितने बचे हैं अभी? 3, 10। तो अब दोनों साइड का करो, अगर सही आया टोटल मैच्ड तो मैंने ठीक कराया, नहीं तो आपकी गलती। तो दोनों साइड का करके बताओ कि क्या आ रहा है। लायबिलिटी आ रही है 10 लाख, ठीक है, और एसेट 4, 20, 5, 5, 10, 10 ही आ रहा है। चलो तो क्लियर हो गई कहानी। चलो ठीक है, तो बस यही करना था। तो अब गृह कार्य में आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, इजी वाले।